उत्तराखंड नैनीताल जंगल में भीषण निआ स्थिति एभली हो जंगल निआ वायुसेना स्टेशन निकट में पहुंचा पर भारतीय वायुसेना पक्षर निआ लिभाइबापी यार हेलिकॉप्टर नियोजित कर उद्यम जारी रखी। भारतीय वायुसेनार एमआई 17 V5 हेलिकॉप्टर नैनीताल नैनी ह्रदरु पानी नहीं निआ लिभाइबाकु चेष्टा करुथुबा एक वीडियो जारी करा सहित उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हेलिकॉप्टर जोगे जंगल निआ स्थितिर आकाश मार्गरु निरीक्षण करने सहित होइथिबा क्षयक्षतिर आकलन करिछन्ति। धामी सोशल मीडिया एक्स रे पोस्ट करि कहिछन्ति जे जंगल निआकु आयत्त करिबा पई आमे निरंतर कार्यपंथा ग्रहण करूछु। या बाद जंगल निआ संपर्क में से विभिन्न विभाग अधिकारीकु नै एक बैठक मध्य करिछन्ति। सेपटे उत्तराखंड वन विभाग मध्य निआ लिभाइबारे भारतीय सेना एवं वायुसेनार साहाज्य लोड़ी। गत दुई दिन हेब नैनीताल निकट जंगल में निआ लागि हेक्टर हेक्टर जंगल जली जाइछि। हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई थी, मेन हमारे पास ये आया था कि वायुसेना की तरफ से जो आई थी हेलीकॉप्टर आग बुझाने के लिए, तो उन्हें परमिशन चाहिए थी नैनीताल से पानी जाने के लिए, तो उसकी हमें सूचना आई थी, तो हमने उस क्रम में ही यहाँ पे वो किया था तथा यहाँ पे जो है बोटिंग बंद कराई थी। किंतु ये जग जाहिर है कि नैनीताल में कई जगहों पर आग लगी है, पाइन्स के पास, एरीज के पास और हमारे लड़िया कंठा में जो एयरफोर्स स्टेशन भवाली है उसके बहुत ही निकट लगी थी। तो ये जो हेलीकॉप्टर अभी आई है, इनका सबसे प्रमुख उद्देश्य जो था वो यही था कि जो एयरफोर्स का स्टेशन है उसको सुरक्षित रखा जाए, उनके चारों तरफ जो आग पहुंच रही थी उन स्टेशन तक उसको बुझाया जाए। जंगलों की आग हमारे लिए बहुत चुनौती है और लगातार आग बढ़ी है, उसको लेकर हम लगातार तैयारी भी कर रहे हैं, लगातार जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उसके लिए भी काम कर रहे हैं। सेना से भी हमने मदद मांगी है, सेना के हेलीकॉप्टर भी आज पानी डाल रहे हैं और भी मैं भी आज हल्द्वानी में भी अभी इस पर मैं मीटिंग करने वाला हूं, कल यहां देहरादून में भी करी है। हमारा हर प्रयास रहेगा कि जल्दी से जल्दी इस आग पर काबू पाया जाए, हम इसके लिए काम कर रहे हैं।